नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइफ एम सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ही कनेक्ट ऐप से आप वीडियो को जब भी सेव करते हैं या फिर इमेजेस को सेव करते हैं या क्लिक करते हैं अपने ऐप्स के द्वारा, तो आप उसे सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो सेंड नहीं होता। वहाँ पर लिखा हुआ आता है वीडियो कांट बी शेयर, इमेजेस कांट बी शेयर, ऐसा करके मैसेज आता है आपके पास। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे मुझे, राजा जी ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने मुझे मैसेज किया, ईमेल आईडी पे भी मेल किया, उसके बाद जो है हमारे कॉमेंट में भी उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कुछ स्क्रीन शॉट्स भी शेयर किए। अब ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का कहना है, हिकविजन मैं बात करूं तो हिकविजन वालों का कहना है कि ये फाइल या फिर ये वीडियो जो है ही कनेक्ट में ही प्ले होंगे, अदरवाइज और दूसरे में नहीं प्ले होंगे। या अगर आप पीसी में देख रहे हैं तो वह वीएलसी प्लेयर में आपके प्ले होंगे। क्या किया जाए ऐसी कंडीशन में, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप WhatsApp से फाइल को सेंड भी कर दें, कोई भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आप वीडियो को शेयर भी कर सकें आसानी से। आपको पेन ड्राइव से फुटेज नहीं निकालना हो, आप हिकनेक्ट ऐप से ही डाउनलोड करके वहीं से आपका काम हो जाए। तो इस पर मैंने वीडियो को बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जैसे मैं आपको हिकनेक्ट ऐप्स पे चलिए लेके चलता हूं, ये हिकनेक्ट ऐप्स। तो चलिए हिकनेक्ट ऐप्स को मैंने ओपन कर लिया है, और इस हिकनेक्ट ऐप्स पे चलिए मेरा ये जो है ये चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है। अब यहां पर इस हिकनेक्ट ऐप्स पे मैं इसका जो है सबसे पहले मैं इसका फ़ोटो को मैं खींच क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हो गया, और इसके बाद इस वीडियो को मैं यहाँ पर जो है ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, और रिकॉर्ड हो जाने के बाद इसको जब भी WhatsApp में या किसी और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है शेयर को लेके, इस पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, पिक्चर एंड वीडियोस में देख लीजिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और मेरे यहाँ पे मेरे फाइल पे भी यहाँ पर देख लीजिए ये वीडियो यहाँ पर आ गया। तो चलिए इस वीडियो को मैं सेंड करने की मैं कोशिश करता हूँ, और देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, मैंने अपने एक WhatsApp आईडी से मैं दूसरे WhatsApp आईडी में। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर सेल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेंड करने के बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से आता है, जो प्रॉब्लम बताया हुआ था यहाँ पर ये यह आता, कांट सेंड दिस वीडियो, चूज अ डिफरेंट वीडियो एंड ट्राई अगेन। यही केस, यही कहानी कुछ आती है फ़ोटो में भी, इमेजेस में भी कुछ ऐसी कहानी आती है। मैं आपको दिखाता हूँ जो इमेजेस है उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानी है। चलिए ये इमेज है, इसको भी चलिए मैं सेंड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी वही कहानी है जो कि बिल्कुल से वही प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर ये आता है। इसको अगर ओपन करते हैं तो यू मे नॉट हैव ए प्रॉपर ऐप फॉर व्यूइंग दिस कॉन्टेंट। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको फाइल को सबसे पहले तो मैं आपको इमेज का मैं बता दूँ, तो इमेज का देखो कैसे सक्सेसफुली सेंड आप कर सकते हैं ये इमेज। अब यहाँ पर हर स्मार्टफोन में एक एडिट का ऑप्शन आता है, आपको एडिट करना है, क्रॉप पे जाना है, यहाँ पर ये कर सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो एडिटर में इमेज एडिटर टूल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्सल लैब वगैरह कुछ भी है जिसमें इमेज को थोड़ा सा दिखे। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता, थोड़ा सा इमेज को ये मैंने ये किया, उस पर ये कर दिया, इसके बाद यहाँ पर डन कर दिया। अब इस फाइल को मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, और देखिए इस फाइल को मैंने जैसे सेंड किया यहाँ पर ये सेंड हो गया, और सेंड होने के बाद ये फाइल जो है ये ओपन भी होता है। ये कुल मिला के आपको यहाँ पर ये चीज़ करने होंगे इमेजेस के लिए। अब आते वीडियो के लिए, तो जब वीडियो की बात आती है तो वीडियो में आपको एक कन्वर्टर यूज़ करना है, चूँकि ये जो देखो वीडियो कन्वर्टर आपको यूज़ करना होगा। ये जो एक फॉर्मेट जो आता है, ये जो फाइल है, ये बिल्कुल से अलग तरह का फाइल होता है, ये सिर्फ उस ऐप में ही ये होता है, कंपनी का कहना है उस ऐप में ही ये होता है। चलो मैं यहाँ पर आपको वीडियो कन्वर्टर इसको जो है आपको ये कर देना है, डाउनलोड कर देना है, यहाँ पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन करने के बाद ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ने ट्रायल वर्जन को यूज़ करना। देखिए वीडियो कन्वर्टर को ओपन कर लीजिए, और जो फाइल है इस फाइल को यहाँ पर
इस फाइल को यहाँ पर क्लिक कर देना है, डन कर देना है, और डन करने के बाद यहाँ पर ये आ जाता है और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मूव फाइल में कर देना अपना हिसाब से जो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये नाम को चेंज कर देना, जो भी आप न्यू फाइल करके नाम को यहाँ पर रख देना है, न्यू फाइल एंड स्टार्ट नाउ। तो देखिए यहाँ पर ये जा रहा है, प्रोसेसिंग सक्सेसफुल, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ गया और मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ और ये शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए शेयर होता है कि नहीं। देखिए ये शेयर भी हो गया और कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये इमेजेस फाइल पहले का था और यहाँ पर देखिए शेयर हो गया। और इसे मैं प्ले करके भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये प्ले हो रहा है। तो कुल मिला के इस तरीके से आप ही कनेक्ट ऐप और में जो भी इमेजेस या वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं आप इस तरीके से आप शेयर करिएगा व्हाट्सअप से, किसी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।